Good morning, plus one class. So today we'll practice more numericals based on mole concept. So let's have a look on some formulas which are helpful when we are having numericals of mole concept. The first hamare paas jo formula hai, that is small n is equal to small m upon capital M. ठीक है, और ये फॉर्मूला आपने यूज़ कब करना है, व्हेन यू आर डीलिंग विद द न्यूमेरिकल हैविंग रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स एंड द मास. ठीक है, या तो आपको मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, या तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपको मास निकालना है. ठीक है, इसमें आपने एक बात तो ध्यान में रखनी है, वो क्या है बच्चे, ये जो कैपिटल एम है दैट इज़ अ मोलर मास, और मोलर मास जो होता है किस में होता है, ग्राम्स में होता है. और ये जो गिवन मास होगा, जो या तो आपको निकालना है या समटाइम्स गिवन है, ये भी किस में होना चाहिए, अगर गिवन है तो किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए. मान लेते हैं आपको कोई न्यूमेरिकल है, आगे हम ठीक है उसको एग्जाम्पल्स करेंगे उसके. मान लेते हैं आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल में मास जो है ना ग्राम के बदले किस में दिया है, यू में दिया है, यूनिफाइड मास जिसको कहते हैं, इसमें अगर आपको दिया है तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उस टाइम पे. क्लियर. सेकंड जो आपके पास फॉर्मूला है, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन नो. ठीक है, ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे, जब आपके पास न्यूमेरिकल में रिलेशन होने वाला है नंबर ऑफ मोल्स के साथ पार्टिकल्स के साथ. ठीक है, या तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे आपको पार्टिकल्स निकालने हैं, या तो पार्टिकल्स गिवन होंगे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. ये पैरामीटर जो है फर्स्ट वाले में, ये वाला जो आपके पास टर्म है ये आपको पता होनी चाहिए, इट इज़ मोलर मास. ठीक है, सेकेंड अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन आता तो कैपिटल एन नोट आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या है, मोल की बात ही नहीं हो रही है. अगर मान लेते हैं आपके न्यूमेरिकल में ऐसा आ रहा है कि मेरे पास ना 2 grams ऑफ हाइड्रोजन है या हीलियम है, तो बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात हो नहीं रही है. ठीक है, तब कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेट करें ना, दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, स्मॉल एन और स्मॉल एन के इक्वल, यानी कि जो ये दो पैरामीटर्स हैं, ये दो जो टर्म्स हैं, दे आर इक्वल टू. ठीक है, आपस में क्या है, आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो आपके पास इससे ना एक थर्ड आपके पास जो फॉर्मूला वो क्रिएट हो गया है. ठीक है, वो क्या क्रिएट हुआ है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन नॉट. ठीक है, जैसे आपको आता है कि मेरे पास 2 gram कोई चीज़ है, 10 gram है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो या तो आप पहले उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, या डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले में पुट करके भी आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट. फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 moles ऑफ हीलियम. ठीक है, आपके पास 52 moles ऑफ हीलियम है, आपको बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. तीन अलग अलग ये, ठीक है, इसके तीन न्यूमेरिकल्स हैं, सब न्यूमेरिकल्स हैं. फर्स्ट है, अगर आपके पास 52 moles ऑफ हीलियम है तो आपको पता लगाना कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट. देखो मोल, अब देखो इस फॉर्मूले में किसके साथ आ रहा है बच्चे रिलेशन, मोल का नंबर ऑफ एटम्स के साथ, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ आ रहा है, तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा इसमें. इसमें नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन 52, कितना गिवन है 52. ठीक है, और कैपिटल एन निकालना है आपको, कैपिटल एन क्या है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा. और क्या एन नॉट क्या है बच्चे, इसमें एन नॉट जो है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर. तो कुछ नहीं किया आपने, बस पता लगाना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, एटम्स और मोल्स के बीच में रिलेशन हो रहा है तो इन दोनों की बात हो रही है, फॉर्मूला नंबर 2 है, दैट इज स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन नॉट. स्मॉल एन इज 52, दैट इज गिवन टू यू, 52 moles आर गिवन. कैपिटल एन आपको निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, और एन नॉट वैल्यू आपको पता है, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर. तो क्या किया, बस आपने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 moles ऑफ हीलियम. क्लियर. सेकंड है, देखो अब इसमें थोड़ा चेंज आया, अब आपको पता लगाना है कि आपके पास कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 U, दैट इज़ यूनिफाइड मास, 52 U ऑफ हीलियम. अब मैंने कहा ना जब U आएगा, ग्राम्स में आपकी बात नहीं हो रही, तो आप 1, 2, or 3 में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे, देन वी हैव टू यूज़ द यूनिटरी मैथड. ठीक है, जो मैथ में करते आए हैं हम. अब देखो आपको इतने U है आपके पास, इतना आपके पास मास किसका है, हीलियम का, तो आपको पता लगाना है कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द इतना मास ऑफ हीलियम.
ठीक है, आपके पास अब यू की बात हो रही है, आपके पास पता है हीलियम का जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो कितना होता है? नॉट मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ मैं, दैट इज़ 4U। ठीक है, तो उसी से स्टैंडर्ड जो हमें पता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता है कि अगर मेरे पास 4U जितना मास हो, कितना मास हो, इक्वल टू 4U, नंबर ऑफ एटम्स इन 4U ऑफ हीलियम, कितने एटम्स आएंगे उसका? वन एटम, बिकॉज एटॉमिक मास जो है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, एक्चुअली इट इज़ अ मास ऑफ ओनली वन एटम ना। ठीक है, तो 4U अगर मेरे पास मास होता तो उसमें कितने एटम्स आते? वन। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर मेरे पास 52U जितने मास है हीलियम का, तो अब कितने एटम्स आएंगे? वन अपॉन फोर नीचे चले गए, इंटू 52 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 13 एटम। ठीक है, तो ये जो है, जो चेंजेस है, ये आपने ध्यान में रखने हैं कि किस फॉर्म में आपको जो है पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट ये थर्ड, ठीक है, थर्ड वाला क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। अब यहाँ पे जो है मास किसमें गिवन है? ग्राम्स में है, तो वी कैन यूज़ द फॉर्मुलेज दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है, तो इसमें अब देखो 52 ग्राम, इसमें आपको निकालने क्या है, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, एटम्स यानी कि पार्टिकल्स के साथ किसकी बात हो रही है? मास की। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर थर्ड है, बड़ा सिंपल है, दोनों को इक्वेट किया आपस में, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन नो। ठीक है, इसमें आपको चार पैरामीटर्स में से ये तो आपको पता होता है बच्चे, मोलर मास भी आपको पता होता है, तो ये चीज़ जो है ये गिवन है 52 ग्राम, इट इज गिवन मास, तो आपको क्या निकालना है? कैपिटल एन निकालना है, वो हमने कहाँ रखा? लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी टर्म्स कहाँ ले गए? राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक है, गिवन मास 52 इंटू एवोगैड्रोस नंबर ये, और कैपिटल एम क्या आ गया इसका? 52, सॉरी, कैपिटल एम क्या है कि हीलियम का मोलर मास, मोलर मास, लेकिन अब मोलर मास बोलेंगे ना, दैट इज़ 4 ग्राम, तो मैंने ही नीचे 4 पुट कर दिया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल गिव इतने मच नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कब लगाना है। क्लियर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.15 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। देखो, अब मैंने लिखा ना H2O, मैंने क्या लिखा है? सिंपल H2O। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया आपको कि मैंने इसका 1 मोल लिया है, 1 मॉलिक्यूल लिया है, तो आपको नहीं पता कि इसमें एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं। अब मैं बोलूँ कि आई हैव 1 मॉलिक्यूल, मेरे पास इसका क्या है? 1 मॉलिक्यूल है H2O का। तो अगर मेरे पास इसका 1 मॉलिक्यूल मैं लेके चल रही हूँ, तो इसके 1 मॉलिक्यूल में मेरे पास 2 एटम्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के, प्लस 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इफ़ आई हैव टेकन द 1 मॉलिक्यूल, डिफरेंस है, अब मैं मॉलिक्यूल बोल रही हूँ ना कि मोल बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है वाटर का, तो वाटर के 1 मॉलिक्यूल में देर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। क्लियर, अब मैंने क्या किया, मैंने अगर इन प्लेस ऑफ 1 मॉलिक्यूल मैंने इसका 1 मोल ले लिया, अगर मेरे पास वाटर का 1 मोल है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, अगर मैं बोलूँ राइट डाउन 1 मोल ऑफ वाटर, तो आप तब भी क्या लिखोगे इसको? 1 H2O ही लिखोगे, बिकॉज यहाँ पे कोई मोल के लिए अलग से आप नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर जैसे लिखते हैं ना इक्वेशन में, तो वो स्पेशली इक्वेशंस होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, अगर 1 मोल मोल की फॉर्म में है तब भी मैं ऐसे लिखूंगी, लेकिन अगर मैंने कहा ना कि मैंने 1 मोल लिया है, और अब मुझे बताओ हाउ मैनी एटम्स एंड हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ दिया, तो 1 मोल में क्या है बच्चे? 1 मोल जब लेंगे तो मेरे पास उस टाइम पे 2 एटम्स नहीं होंगे हाइड्रोजन के, उसमें मेरे पास हाइड्रोजन के पता कितने एटम्स होंगे? पहले तो 1 मोल में कितने हाइड्रोजन हैं, 1 मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 है, और कितने ऑक्सीजन है? 1 है। ठीक है, तो अगर 1 मोल में मैं पूछूं हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो मेरे पास 1 मोल में ऑक्सीजन
के कितने एटम्स हो जाएंगे जितने कि 1 मोल में होते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर. और 1 मोल ऑफ वाटर में हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट हेयर, 2 × H है ना, यानी कि मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर में मेरे पास 2 मोल्स हैं किसके, हाइड्रोजन के, तो मेरे पास कितने एटम्स हुए हाइड्रोजन के, 2 × एवोगैड्रोस नंबर. जितने के 2 मोल्स की बात हो रही, 1 मोल में कितने आते हैं एवोगैड्रोस के इक्वल आएंगे, तो मेरे पास अगर 1 मोल में 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, मेरे पास कितने एटम्स आ जाएंगे, 2 × एवोगैड्रोस नंबर. क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने कि मोल है, मॉलिक्यूल है, उसके अकॉर्डिंग. जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास CH4 है, इसका 1 मोल है, कितना मेरे पास CH4 का 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ CH4 में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, इक्वल टू 1 मोल कार्बन एटम, यानी कि 6.022×10⁻²³. एंड 1 मोल ऑफ मीथेन में हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, दैट इज इक्वल टू 4 × एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, जितना के एटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ. क्लियर हुआ? तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.15 मोल ऑफ वाटर. ठीक है, तो अब हम स्टैंडर्ड से ही चलेंगे. स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, 1 मोल. ठीक है, तो देखते हैं कि अगर मेरे पास वाटर का 1 मोल हो तब मेरे पास कितने होंगे हाइड्रोजन्स और कितने होंगे ऑक्सीजन, जो भी हमने पढ़ लिया. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर कितने होंगे, दैट इज इक्वल 2 मोल, और 2 मोल इज इक्वल टू 2 ग्राम एटम. पढ़ा ना हमने, 2 ग्राम एटम इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम दैट आर इक्वल टू एटम्स प्रेजेंट इन द 2 मोल. ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, H2O का 1 मोल है, तो उसमें मेरे पास हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, 2 × एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल. ठीक है, ये तो होंगे अगर मेरे पास 1 मोल है तो, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास कितने मोल्स हैं, 0.15 मोल है. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.15 मोल ऑफ वाटर, वो आप कर लोगे. ठीक है, 0.15 से क्या किया, इस पैरामीटर को मैंने क्या लिखा है, 2 × किया ना दिस, तो ये आएगा 12.044×10⁻²³. ठीक है, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे मेरे पास किसके, हाइड्रोजन के. अगर मैं हम आप किसका निकालते हैं, ऑक्सीजन का निकालते हैं, तो फिर इसको भी स्टैंडर्डाइज लेके चलते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल है वाटर का तो उसमें कितने होंगे मेरे पास ऑक्सीजन. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1 मोल एटम के, 1 ग्राम एटम के इक्वल ना, क्योंकि H2O में कितना O है, 1 है, यानी कि अगर मेरे पास वाटर का 1 मोल है तो मेरे पास ऑक्सीजन का भी 1 मोल होगा. तो 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं, दैट इज इक्वल टू 6.0 जो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, इट इज ऑल्सो नोन एज 1 ग्राम एटम. ठीक है, और एक्चुअली किस में निकालना है, 0.15 में निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं बेस्ड ऑन द मोल कंसेप्ट.